चीन अपने लड़ाकू विमानों का उत्पादन बढ़ा रहा है। इसके अलावा उसने इन विमानों को उड़ाने वाले पायलट की ट्रेनिंग का समय भी घटा दिया है, क्योंकि वो चाहता है कि उसके विमान और पायलट जल्द से जल्द जंग के लिए तैयार हो जाएं। जिसकी वजह है चीन की दो मोर्चों पर लड़ाई की तैयारी, जिनमें पहला मोर्चा है LAC पर भारत और दूसरा है ताइवान। यानी चीन टू फ्रंट वॉर का प्लान बना रहा है, जिसके लिए उसने पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों J-20 का उत्पादन बढ़ा दिया है। यानी चीन अपने J-20 विमानों से भारत और ताइवान की सेना से लड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से ये खबर भी आ रही है कि चीन LAC के पास अपने J-20 विमानों से सैन्य अभ्यास कर रहा है। यही नहीं, उसने भारत के रफाल से उन्हें बचाने के लिए एयरबेस पर मजबूत हैंगर भी बनाए हैं। यानी ये पक्का है कि LAC के पास, या यूं कहें कि अपने पहले वॉर फ्रंट पर चालबाज चीन अपने पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से लड़ेगा। और ताइवान के खिलाफ भी उसका कुछ ऐसा ही प्लान है, जिसके लिए उसने अपने लड़ाकू विमानों के उत्पादन में पूरी ताकत झोंक दी है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की ओर से आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन की वायुसेना के पास 2800 से ज्यादा विमान हैं, जिनमें 2250 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें 800 चौथी पीढ़ी के हैं, और अब तो वो पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को वायुसेना में शामिल कर चुका है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन की वायुसेना में 100 J-20 विमान हैं, जिनकी संख्या बढ़ाने का प्लान है, और इस प्लान को पूरा करने के लिए हर साल करीब 125 पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने का प्लान है। यानी 2025 तक चीन की वायुसेना के पास करीब 500 पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान होंगे, जो स्टेल्थ तकनीक से लैस होते हैं और दुश्मन के इलाके में चुपके से घुस जाने में माहिर हैं, क्योंकि इनकी तकनीक इन्हें दुश्मन के रडार में आने से बचाती है। यही नहीं, चीन अपने लड़ाकू विमानों को उड़ाने के लिए पायलट की ट्रेनिंग पर भी खास जोर दे रही है, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें चीन के पास बोहाई सागर पर पायलट रात में ट्रेनिंग लेते दिखे। इस ट्रेनिंग में पायलट को एयर डिफेंस सिस्टम से बचना और दुश्मन पर हमला करना सिखाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि चीन J-20 विमानों को उड़ाने के लिए 3 साल में पायलट तैयार कर रहा है, जो कि पहले ये ट्रेनिंग 6 साल में पूरी होती थी। मतलब भारत और ताइवान से लड़ने के लिए चीन अपने पायलट की ट्रेनिंग पहले से आधे समय में पूरा करवा रहा है। खबर है कि चीन के नए ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर पहला पायलट रेडी भी हो चुका है, और इस पायलट की उम्र है 23 साल। कहा जा रहा है कि चीन का नया पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम दुनिया का सबसे तेज ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मतलब ये कि टू फ्रंट वॉर के लिए शातिर चीन जमकर तैयारी कर रहा है। वो अलग बात है कि भारत और ताइवान से लड़ने के इस प्लान के सफल होने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि LAC के पास भारत की तैयारी भी जोरदार है। वो वहां S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से नजर रख रहा है, जिससे चीन के किसी भी लड़ाकू विमान का बच पाना मुश्किल है। इसके अलावा चीन की चालों को फेल करने के लिए सीमा के पास के 2 एयरबेस पर राफाल के बेड़े भी तैनात है। एक बेड़ा तो LAC के पास तक चीन की हरकतों का मुआयना भी करके आ चुका है। यानी चीन विमानों का उत्पादन बढ़ाए या पायलट की ट्रेनिंग का वक्त आधा करे, भारत की सेना से लड़ना उसके लिए मुश्किल है। रही बात ताइवान की, तो उसके साथ तो अमेरिका खड़ा है, जो समंदर और आसमान दोनों जगह ड्रैगन के पर काटने की काबिलियत रखता है। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश का असर दिखने लगा है। यहाँ तेज बारिश की वजह से लांबागढ़ के कचरा नाले में जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिसकी वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का एक हिस्सा पानी में बह गया, जिससे बद्रीनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्री और वापस लौटने वाले तीर्थयात्री रास्ते में ही फंस गए। हालांकि मशीन की मदद से सड़क की मरम्मत करने की कोशिश की जा रही है। चमोली, उत्तराखंड के चमोली से ये तस्वीर सामने। मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक पुलिस वाला एक बुजुर्ग को बुरी तरह पीटता दिखाई दिया, जिसका वीडियो ट्रेन में बैठे एक आदमी ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। सामने आए वीडियो में वो पुलिस वाला बुजुर्ग को पैरों से मारता नजर आया, लेकिन जब इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। प्लेटफॉर्म पर नीचे गिरे बुजुर्ग को पहले तो उसने घसीटा और फिर ट्रेन की पटरियों की तरफ लटका दिया। इस दौरान बुजुर्ग पुलिस वाले से छोड़ने की गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिसकर्मी ने उनकी एक न सुनी और पिटाई करता रहा। आरोप है कि शराब के नशे में धुत बुजुर्ग स्टेशन पर किसी यात्री से बहस कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस वाले ने उनकी पिटाई की। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। बरसात के मौसम में पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत कहर बरपा रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से कुदरत के कहर की जो तस्वीरें सामने आई है, जहां भंडारा बेल्ट इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद बरसाती नाले में पानी का स्तर अचानक बढ़ गया, और यहां नाले में अचानक पानी बढ़ने की वजह से इंटर कॉलेज के कई छात्र छात्राएं पानी के तेज बहाव में फंस गए, जिन्हें शिक्षकों ने रेस्क्यू कर पार कराया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से ये तस्वीर सामने आई, जहाँ लगातार बारिश हो रही थी और उसकी वजह से इस नाले का जलस्तर अचानक तेज हो गया। हांगकांग से सांसें अटका देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कॉन्सर्ट के दौरान एक बड़ी स्क्रीन गिरने से भयानक हादसा हो गया।
जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में कॉन्सर्ट के लिए तैयार स्टेज के ऊपर लटकी कई स्क्रीन में एक बड़ी स्क्रीन अचानक नीचे गिरती दिखी, जो सीधे स्टेज पर परफॉर्म कर रही एक कलाकार के सिर से जा टकराई, जिसकी वजह से वो कलाकार जमीन पर गिर गई। उसके बगल में मौजूद एक दूसरा डांसर भी स्क्रीन की चपेट में आ गया। अचानक हुए इस हादसे की वजह से वहां चीख पुकार मच गई। इस बीच स्टेज पर मौजूद दूसरे कलाकार स्क्रीन की चपेट में आए लोगों को बचाने के लिए दौड़ते दिखे। वहीं हादसे के बाद कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जिनमें एक की हालत नाजुक बताई गई। उधर रूस के चेलियाबिंस्क इलाके में मौजूद गैस पाइपलाइन में जबरदस्त धमाका होने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि जमीन के अंदर मौजूद इस पाइपलाइन में धमाका गैस के प्रेशर की वजह से हुआ, जिसके बाद वहां आग के बड़े बड़े गोले उठते दिखाई दिए। करीब 50 मीटर के इलाके में इतनी जबरदस्त आग लगी कि उसकी लपटें आसमान को छूने को बेताब नजर आई, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। रूसी मीडिया ने दावा किया कि यह हादसा गैस पाइपलाइन में प्रेशर कम होने की वजह से हुआ, जिसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिशें तेज कर दी गई। उधर पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का मसला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश की, जिसके लिए उसने चेन्नई में हो रहे शतरंज ओलंपियाड का सहारा लिया। और पाकिस्तान ने अंतिम वक्त में इस प्रतियोगिता से हटने का ऐलान कर दिया, जबकि उसकी टीम चेन्नई पहुंच चुकी थी। शतरंज ओलंपियाड शुरू होने वाला था, इसके बावजूद उसने अपनी टीम को वापस बुला लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान ने यह हरकत क्यों की। असल में ओलंपियाड से जुड़ी मशाल पिछले महीने कश्मीर से भी गुजरी थी और इसी बात पर पाकिस्तान भड़का हुआ है, लेकिन तब उसने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। और जब ओलंपियाड शुरू होने वाला था, तब उसने ये बात पूरी दुनिया के सामने रखकर कश्मीर मसले को उठाने की चाल चली। पाकिस्तान ने उल्टा भारत पर ही खेल में सियासत करने का आरोप लगाया, जिसके बाद भारत ने भी उसे जवाब देने में देरी नहीं की। बात यह है कि कल को अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऐसी स्थिति आती तो क्या पाकिस्तान वहां से भी छोड़कर भागेगा। जबकि चेन्नई में हो रहे 44वें शतरंज ओलंपियाड में दुनिया के 188 देश हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में जब पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना रंग दिखाया तो उसके खिलाड़ी भी हैरान रह गए। बताया गया कि इस फैसले से पाकिस्तान से आई टीम भी नाखुश थी। और खबर तो यह भी है कि पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी वापस नहीं जाना चाहते थे। वो भारत में किए गए इंतजाम और मिले सम्मान से काफी खुश थे, लेकिन उन्हें अपने देश के इस बेतुके फैसले के आगे झुकना पड़ा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने किसी खेल के मंच को राजनीति का मंच बनाया हो। इससे पहले 2019 में भी वो ऐसा कर चुका है, जब भारत ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद शहीद जवानों के सम्मान में ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए क्रिकेट मैच में सेना की टोपी पहनी थी, तब उसने ICC के सामने ये मुद्दा उठाया था। उधर मुंबई के अंधेरी में एक फिल्म स्टूडियो में आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहां लगी आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लगाया गया, लेकिन इसके बावजूद आग काफी देर तक धधकती रही। उस पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी जी जान से जुटे नजर आए, पर आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाना उनके लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि स्टूडियो के अंदर लकड़ी का सामान रखा हुआ था जो तेजी से आग में गिर रहा था। भीषण आग ने कुछ ही देर में पूरे स्टूडियो को अपनी जद में ले लिया, जिसके बाद वहां दूर तक काले धुएं का गुबार छा गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग में जलकर पूरा स्टूडियो राख हो गया। बताया गया कि जिस वक्त आग लगी स्टूडियो के अंदर शूटिंग चल रही थी। हालांकि गनीमत रही कि आग लगते ही स्टूडियो के अंदर मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बिहार के समस्तीपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाशों ने मामूली बात पर चाउमीन बेचने वाले एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि चाउमीन देर से देने पर वहां विवाद शुरू हुआ, जिसने कुछ ही देर में भयानक रूप ले लिया और कुछ बदमाशों ने चाउमीन बेचने वाले उस लड़के को सड़क पर काफी दूर तक घसीटा। इस दौरान वो खुद को छोड़ने की गुहार लगाता दिखा, लेकिन बदसलूकी करने वाले उन बदमाशों का दिल नहीं पसीजा। इस घटना की CCTV फुटेज भी सामने आई, जिसमें 4 से 5 बदमाश उस शख्स को घसीटते हुए आगे ले जाते दिखाई दिए। जब इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो बदमाशों ने उसकी पिटाई भी की। बताया जा रहा है कि बाद में उस शख्स को जख्मी हालत में पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के दरभंगा में मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी। यहाँ आधे घंटे की झमाझम बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी हो गया और सड़कें दरिया में तब्दील हो गई और शहर में सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आने लगा। रिहायशी इलाकों में जलभराव से लोग परेशान हो गए और गंदे पानी में होकर गुजरने को मजबूर हो गए। कई इलाकों में सड़क पर कई फीट पानी जमा होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई और मोटरसाइकिल से लेकर कार तक रेंगती नजर आई। जलभराव से परेशान लोग नगर निगम को नसीहत देते दिखे। नगर निगम को सड़क पे ध्यान देना चाहिए। आप देख रहे हैं कि कितने वर्षों से जो है पानी अटक जा रहा है, नाली सब जो है जाम हो जा रहा है।
फिलहाल मूसलाधार बारिश शहर के लोगों के लिए आफत से कम साबित नहीं हो रही है। अमेरिकी वायुसेना के 6 F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान पोलैंड रवाना हो गए। यूक्रेन जंग की वजह से रूस और अमेरिका के बीच जबरदस्त टेंशन है। अमेरिका समेत नेटो देशों को तो रूस कई बार चेतावनी भी दे चुका है, और यही वजह रही कि यूक्रेन के पड़ोसी और नेटो में शामिल पोलैंड की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने 6 F-22 रैप्टर भेजे हैं। इससे पहले भी F-22 रैप्टर विमानों ने पोलैंड का दौरा किया था, लेकिन तब उनकी संख्या सिर्फ 2 थी और वो सद्भावना मिशन पर पोलैंड गए थे। जबकि इस बार बात नेटो देश पोलैंड की सुरक्षा की है, क्योंकि अमेरिका कई बार ये कह चुका है कि वो नेटो में शामिल हर देश की सुरक्षा का ध्यान रखेगा। और पोलैंड ने तो यूक्रेन की मदद करके रूस से सीधी दुश्मनी मोल ली है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां के शरणार्थियों ने पोलैंड में शरण ली थी। इसके अलावा उसने खुलकर रूस का विरोध भी किया था, यानी गुस्साए पुतिन को पोलैंड ने और भड़का दिया था, जिसके बाद पुतिन ने नेटो देशों से बोल दिया था कि उन्हें यूक्रेन की मदद करने का अंजाम भुगतना होगा। अमेरिका का कहना है कि इसी वजह से वो नेटो देशों की सुरक्षा का इंतजाम कर रहा है और बाल्टिक से काला सागर तक नेटो देशों के लिए एक सुरक्षित हवाई क्षेत्र बना रहा है, क्योंकि समंदर के इस इलाके से कई नेटो देशों की सीमा लगती है। इसी मिशन के तहत 6 F-22 रैप्टर पोलैंड जा रहे हैं, जो ईंधन भरवाने के लिए यूके में रुके हैं। नेटो देशों की सुरक्षा के लिए 120 लड़ाकू विमानों को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है। अमेरिका के F-22 रैप्टर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लेकर उड़ते हैं। यही नहीं, इनमें टारगेट पर भारी भरकम बम गिराने की भी ताकत होती है। सबसे बड़ी बात यह कि इनमें स्टेल्थ तकनीक होती है, जिससे ये दुश्मन को चकमा दे देते हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में जोरदार बारिश से जहां कुछ लोगों को राहत मिली, तो वहीं कुछ लोगों के लिए ये बारिश आफत बन गई। श्रीगंगानगर में जब अचानक बारिश होने लगी तो लोग खैर मनाने लगे, क्योंकि सुबह से शुरू हुई बारिश की वजह से शाम तक पूरा शहर पानी पानी हो गया। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन सड़कों पर इतना पानी जमा हो गया कि आना जाना भी मुश्किल हो गया। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के अंडरपास से कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां कई फीट पानी जमा हो गया। ऐसे में लोगों को रास्ता पार करने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। वहीं कुछ पार्क भी तालाब में तब्दील हो गए, जिसकी वजह से लोगों का पार्क में भी आना बंद हो गया। नेटो का सदस्य बनने के लिए हाथ पैर मार रहे फिनलैंड पर डबल गेम खेलने का आरोप लग रहा है। खबर है कि फिनलैंड रूस के नागरिकों को धड़ल्ले से टूरिस्ट वीजा जारी कर रहा है, जिसकी वजह से रूस के नागरिक छुट्टियां मनाने के लिए बड़ी तादाद में फिनलैंड पहुंच रहे हैं। बताया गया कि रूस के लोग फिनलैंड के न्यूइमा के रास्ते वहां जा रहे हैं। न्यूइमा रूस और फिनलैंड के बॉर्डर पर है। यहां ये बात बेहद अहम है कि नॉर्डिक देशों में इकलौता फिनलैंड ही है जो रूस के लोगों को वीजा जारी कर रहा है। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क भी नॉर्डिक देश हैं, लेकिन वो रूस के नागरिकों को इस तरह वीजा नहीं दे रहे। मतलब एक तरफ फिनलैंड रूस को आंखें भी दिखा रहा है और दूसरी तरफ रूस के नागरिकों को वीजा देकर अपनी जेब भरने में भी लगा है। इसी वजह से फिनलैंड में कुछ लोग, यहां तक कि वहां की विपक्षी पार्टियां भी फिनलैंड की सरकार के इस डबल गेम के खिलाफ खड़ी हो गई। उन्हें एक तरफ फिनलैंड के रूस के एक्शन को गलत ठहराना और दूसरी तरफ उसके जरिए मुनाफा भी कमाना यूक्रेन के लोगों के साथ ठगी नजर आने लगा। फिनलैंड में अभी टूरिस्ट सीजन है और इन सैलानियों में रूस से अच्छी खासी संख्या में लोग हर साल वहां घूमने फिरने पहुंचते हैं। फिनलैंड की मजबूरी यही है, जंग की वजह से पहले ही यूरोप में धंधा मंदा पड़ा है। ऐसे में फिनलैंड रूस के पर्यटकों के लिए दरवाजे बंद करके अपने पेट पर लात नहीं मारना चाहता। साउथ लंदन में भीषण गर्मी की वजह से खेतों में आग लग गई, जिसकी वजह से वहां लगी फसल जलकर राख हो गई, जबकि इस आग को बुझाने के लिए भी दमकल कर्मचारियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दुनिया भर के कई देश इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ से परेशान हैं, तो लंदन में बढ़ते तापमान की वजह से लोग परेशान हैं। वहां का तापमान कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लंदन के एक इलाके में इसी गर्मी की वजह से खेतों में आग लग गई। भीषण आग की वजह से खेतों में लगी फसल को भारी नुकसान हो गया, जबकि दमकल विभाग के कर्मचारी भी आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करते दिखे। एक खेत में लगी आग को बढ़ने से रोकने के लिए एक गाड़ी से केमिकल डाला गया, जबकि दमकल विभाग के कुछ कर्मचारी भी पानी की बौछार की मदद से आग बुझाने की कोशिश करते दिखे। लेकिन आग की वजह से खेत के एक बड़े हिस्से में लगी फसल का नुकसान हो गया, जबकि इसी तरह की तस्वीरें एक दूसरे इलाके से भी सामने आई। वहां भी अचानक खेतों में लगी आग से हड़कंप मच गया। हालांकि दमकल कर्मियों ने काफी देर की कोशिश के बाद आग बुझा ली। गुजरात के सुरेंद्रनगर में बोरवेल में फंसी एक 12 साल की बच्ची को बचा लिया गया। बताया गया कि बच्ची वहां खेत में लगे बोरवेल में गलती से गिर गई, जिसे निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। 600 फीट वाले बोरवेल में बच्ची करीब 40 फीट की गहराई में फंसी हुई थी। बच्ची के रेस्क्यू का जो वीडियो सामने आया, उसमें कई लोग उसे निकालने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन बोरवेल के गहरा होने की वजह से बात नहीं बनी।
जिसके बाद सेना के जवानों को बुलाया गया और उन्होंने बच्ची को निकालने का काम शुरू किया। जवानों ने एक रस्सी को तैयार कर बोरवेल के अंदर डाला और फिर एक पाइप के जरिए ऑक्सीजन दिया। इस दौरान वहां मौजूद एक महिला बोरवेल में फंसी बच्ची से बात कर उसका हाल पूछती रही। बोरवेल का पाइप पतला होने की वजह से सेना के जवानों को बच्ची को बाहर निकालने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और बच्ची को बोरवेल से निकालकर अस्पताल पहुंचाया।